एबिलिटी का टेस्ट। ये क्या है? Yes guys, आज हम करने वाले गोल्ड डिगर टेस्ट। अच्छा? वो भी संजू पे। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या वो सच में गोल्ड डिगर ही? पता नहीं। क्या सच में वो एक लालची औरत? क्या बोला तूने? नहीं सॉरी। क्या सच में वो औरत बनने का शौक है? लालची आदमी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शेजादी और आप देख रहे हो शेजादी FM. हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। So, आज का वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। मगर क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड डिगर प्रैंक करने वाले हैं। So, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Okay. And guys, आज गेम प्ले में थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था। मगर क्यों? बिकॉज मेरा माइक खराब हो गया। मैं गरीब टूट हूँ। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, मेरे पास ईयरफोन नहीं है। इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो संजू। हाँ क्या हुआ? अभी बता था भाई। रियाज मेरे साथ है। हग दिया। अरे यार तेरे साथ क्या हो गया बता मुझे। नहीं। अरे क्या हुआ तेरे साथ यार आज बता मुझे। मैं भी एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड लग रहा है सुनने में, तो बता। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक लड़की आई, ठीक है? अच्छा। और ना हाँ। ना वो लड़की मतलब क्या ही बोलू मैं, बताऊंगी तो पागल हो जाएगा। मतलब मैं कुछ सोच रही हूँ एक लड़कियों के, एक लड़की के लिए इतना कुछ कैसे। क्या हुआ, रूप की रानी लेके आ गई क्या लड़की को? कोई सेंस है इस बात? अरे जल्दी बोलना, ऐसा हुआ क्या है? क्या रूप की रानी लेके आई क्या? तो रुको जरा। अरे लड़की सुनते ही मतलब तुझे बड़ा बेताब हो रहा है सुनने के लिए। रहा नहीं जाता। अच्छा सुन मैं बोल। हाँ बोल। मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसका 75 लेवल था। बाबा। ठीक है, मैंने सोचा वो लड़का है। ओके। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा फिर ना उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, देन उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और मुझे इतने अच्छे से बात कर रहे थे ना, उसका वॉइस इतना क्यूट था। और ना वो इतना अमीर था पता है तुझे। पैसा ही पैसा हो गया। इतना सारा अमीर, सारे लाइफ पर सारे आज तक जितने भी इवेंट्स आए सारे इवेंट्स मतलब उसके पास है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कंप्लीट है सारे इवेंट्स। तो एक बात सुन, ये फंस गया सी है। उसके सारे इवेंट कंप्लीट है, वो खूबसूरत है, तो इसमें अपना के क्या लेना देना, मुझे क्यों सुना रही है? पैसा मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो अमीर है, क्योंकि वो उसने मुझे एलाइट पास दिलाएगा। आज अभी अभी इतना 2000 डायमंड का रिडीम कोड दिया है। असंभव। वो और भी जरूरत होगी तो और भी देंगे। क्यों किस लिए? अच्छा? इतना ज्यादा और बोलते हैं, जो भी चाहिए मेरे से मांग लेना, मैं सब कुछ दूंगी। जली ना, तेरी भी जली ना। मतलब इतना अच्छा लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे को भी यूआईडी देना यार। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मेरे को भी यूआईडी दे, मैं भी फ्रेंड बनाता हूँ, अच्छा फ्रेंड बना लूंगा मैं भी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक लड़की के लिए वो इतना कर सकती है, तो सोच उसका अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा उसको कितना ज्यादा देगा, उस पे तो सारा आधी जायदाद लुटा देगा वो, है ना? सही पकड़े हैं। हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को देना, तू उसकी यूआईडी देना। गजब तू भी आ जाती। तेरे को बड़ा हंसी आ रहा है, तेरे को क्यों बड़ा हंसी आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ क्यों चाहिए? अरे ऐसे ही फ्रेंड बनाऊंगा ना, एज अ फ्रेंड ही मैं ही बोलूंगा, तू इलेक्ट ट्रस्ट मेरे ऊपर भी न्योछावर कर दो। साले गरीब आदमी तक। अरे मेरे को भी चाहिए, मेरे को दोना दोना, मेरे को दोना, आप दोना, आप दोना। मेरे को भी चाहिए। मैं नहीं देने वाली। I am sorry, Babu. उसने मुझे बोला कि आप क्या चलाते हो घर में, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, क्या चलाते हो? मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो साइकिल चलाती हूँ।
फिर बोल रहे यार आप इतने बड़े यूट्यूबर हो कि आप साइकिल चलाओगे, मेरे रहते हुए आप साइकिल चलाओगे, आपको ना मैं स्कूटी गिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब वो मुझे स्कूटी गिफ्ट कर रही है, ठीक है। उसने बोला मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ एक स्कूटी, आप ले ले। यार ये कितनी ऑसम है। सोच रहे उसका बॉयफ्रेंड होगा तो उसको कितना कुछ देगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो उसको यूआईडी देना यार, तू यूआईडी देना उसकी। अब आए ना लाइन पे। ये तेरा इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है संजू, ये सब मत क्या कर। मुझे देंगे ना फ्रीडम कोर्ट, मुझे देंगे वहां से तेरे को थोड़ा सा दे दूंगी मैं। अरे तो मैं खुद ही सामने से बात कर लूंगा ना यार। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? तू जाके उसको फिर उससे फ्लर्ट करने लगेगा, तू बहुत हरामी है। हरामी हो? मुझे पता है। मैं फ्लर्ट नहीं करूंगा, बस पटा लूंगा। क्या बोला तूने? मतलब बात ही करूंगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पटा लेगा। अरे नहीं मतलब मैं बता दूंगा कि यार मेरे को भी एक लेट पास दे दे दो ना प्लीज, एक लेट पास दे दो, डीजे आलोक दे दो प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? होगा तो तू उसका यूआईडी मांगने लगता है। क्यों क्यों? अरे तो वैसे भी अपना अपना तो कुछ हो नहीं रहा है ना, तो ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ यार। कितना कमीना है, देखो एक नंबर का कमीना है तू। ची ची, शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोभड़ी है। अरे व्हाट छी यार, मेरे जैसे गरीब लोग छोटी पच्ची हो क्या? मैं मेरे पास भी साइकिल भी नहीं है, मेरे पास तो साइकिल तो है, वो मेरा जीवन साथी बनना चाहूंगा मैं उसका। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ची ची, कितना बड़ा गोल्ड डिगर है तू। ची बेबी आई एम गोल्ड डिगर, ये पैसे देखे नहीं लड़की के साथ, पैसे देखे नहीं कि मतलब हाँ बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, कैसा कैसा नहीं पता नहीं सब क्या देखना पड़ रहा है। नहीं नहीं वो खूबसूरत खूबसूरत तो है थोड़ा, कैसे नहीं थोड़ा, कुछ खास नहीं और खूबसूरत तो है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने उसको नहीं देखा। तो मैं उसके नंबर लेके देख लूंगा, तो मेरे को यूआईडी तो दे, यूआईडी तो दे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पहले वो मेरे से, तू मेरे को यूआईडी दे देना, मैं उसको ऐड कर लूंगा, फिर उससे फ्लर्ट करूंगा, फिर मैं उसको ऐसे बोलूंगा कि यार मुझे बहुत हेल्प की जरूरत है, तू मुझे डी चालक दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर अगर दे देगी ना, मैं उसको बोलूंगा मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारा दिल दे दो, फिर वो भी दे देगी। काफी देर मतलब लॉजिक की मैल होगी बेचारी, फिर मैं उसको फंसा लूंगा, चक्कर में अपना लूंगा उसका जीवन साथी, फिर तो शादी कर लूंगा, फिर उसकी आधी जायदाद का मालिक लखपति संजू FF। क्या बोलती है? फिर मैं तू क्या, तू तो मेरी दोस्त है ना, अच्छी अपन तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, मैं तेरे को रिडीम कोड देता रहूंगा। फिर कैसा गोल्ड डिगर है, देखो देखो कैसा गोल्ड डिगर है साले। चूतिया बनाया तुमको। देखो मींस क्या? देखो मतलब क्या? तू एक नंबर का गोल्ड डिगर है, यही बोल रही हूँ। उस लड़की को आके बुला के भी बोल दूंगी इसने मुझे धोखा दिया, एक गोल्ड डिगर है, इसके साथ फ्रेंडशिप मत करना, मैं बोलूंगी। अरे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे हम, बस या तो कोर्ट मैनेज कर लेंगे जाके, फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा तो फिर तो मैंने तेरा असली चेहरा देख ही लिया, तू कैसा गोल्ड डिगर है सारे नुबड़े कहीं का। नहीं, नहीं, मैंने नहीं, ये तो जो भी है मेरा, पहले सुन ले, मैंने जो अपनी जो भी कह असली चेहरा देख लिया, मेरा क्या मतलब, मुंह पे मास्क पहन रखा था पूरी जिंदगी, वही ये चेहरा तो मेरा, यही है ना तेरा चेहरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नंबर का कमीना है तो तू भी सुन अभी। हाँ मैंने अभी जो भी बोला ना, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैंने अभी जो भी बोला वो सब एक प्रैंक था, कोई लड़की नहीं मिला मेरे से, कोई भी लड़की मुझे कोई भी रिडीम कोड नहीं दिया, सब कुछ प्लान था, मेरा प्लान था। मैं ये देखना चाहती थी कि तू गोल्ड डिगर है कि नहीं, और तू गोल्ड डिगर निकला। धुनता ना 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 ना, धुनता ना ना ना, झूठ झूठ झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ झूठ, तू एक नंबर का गोल्ड डिगर है कुत्ते साले। मैं तेरे साथ आज के बाद कभी भी बात नहीं करूंगी। देखो देखो मैं वीडियो बना रही थी, तेरे प्रूफ है, तू गोल्ड डिगर है साले। सही
नहीं, तेरे हाथ में सोने का कटोरा दे दे, फिर भी तू भीखे मांगेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मस्त जोक मारा रहे साले। मेरे को तो पहले से पता था रे, मुझे को अभी आके उसने बोला, शुभम ने बोल दिया मेरे को आके कि तेरे ऊपर प्रैंक करने, ये मेरे से कंटेंट पूछ रही थी कंटेंट क्या बनाऊं, तो वो बोली संजय के साथ प्रैंक करती है, तो मैंने सोचा है मुझे पता ही होगा, मैंने सोचा था बनाएगी तो बना दे, मैं उसके साथ और डबल प्रैंक कर दूंगा, बस इसलिए मैं जान पूछ के बोला हूँ, मुझे पता है बस ऐसा करते है। पता नहीं, है, अभी नहीं 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 नहीं, अभी अभी पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है तू, अभी पकड़ा गया ना इसलिए झूठ बोल रहा है। सही पकड़े हैं। झूठ बोलने में रखा क्या है मेरी जान, झूठ में कुछ नहीं रखा है, सब सच्चाई होती है। मैं सिर्फ तेरा हूँ, मैं तेरा, मैं चुप, बिल्कुल चुप, मुझे बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल चुप पड़े, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तू ना ये जो हुआ है ना ये पकड़ा गया ना तो अभी इसलिए झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है। प्यारी समझ गई, ये झूठ नहीं है सच्चाई है। अच्छा तूने दो लोगों को बोला है, दोनों में से एक जासूस है मेरा। कौन हो गद्दार, कौन हो गद्दार, दोनों को अनफ्रेंड कर दूंगी अभी मैं जाके। शर्म करो, भगवान से डरो। नहीं मैं गोल्ड डिगर रहूंगा सिर्फ तेरे साथ, तू लालच देगी तो तभी लालच में फंसूंगा बस, बाकी तेरे बाकी किसी के लालच में नहीं जाता मैं, समझी? मेरे लालच में फंसेगा मतलब? तू लालच दे दे के देख संजू तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, ये लालच दे दे मेरे को, मैं लालच में आ जाऊंगा, अपन के सीधा काम है। ओ मां गुटुरुला, हां फादर कुत्ता मेरा। हाँ मैं तो रह लूंगा, मेरा कोई टेंशन ही नहीं है, अपने यार कौन अपने पार्टनर का नहीं बनना चाहता, वफादार बात बन जाऊंगा, आई एम लॉयल। ओह यार यार ये कितनी ऑसम है। ओहो देख रहे हो, ये कौन है झाड़ी वाला? मेरा वफादार, मेरा वफादार पार्टनर। फिर सुन लो, पार्टनर नहीं फिर मेरा नौकर भी बनना पड़ेगा। कुछ भी What do you mean, नौकर? क्या तेरे घर का काम वाली बाई आ रहा हूँ क्या मैं नौकर? नहीं मेरे 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 से जो शादी करेगा उसको मेरा नौकर बनना पड़ेगा, मेरा सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बनाऊंगी वीडियो। ये भगवान क्या जुलुम है। ओके 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 एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया तो बना ले फिर। ये संजू मेरा नौकर, ये मैं मर गई, खुशी में मर गई, ला 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 ला। तो ये साबित हुआ कि संजू गोल्ड डिगर है। नहीं हुआ।